अब ये जब हुआ तो विख्यात तो दोनों हुए, ख्याति तो दोनों ने पाई। एक विख्यात हुआ अपने पांडित्य में पिताजी के साथ लगकर, और एक कुख्यात हुआ। इसको मारना उसको मारना, धीरे धीरे चोरी करने लगा। अब माँ पिता दोनों दुखी होने लगे कि कई बार हमारे मन में भी ऐसा आता है कि ऐसी संतान से तो हम निसंतान अच्छे थे, संतान होती नहीं, कई बार हम बोल देते। तो उसने भी यही सोचा कि ऐसी संतान, लेकिन जैसा किया है वैसा पाओगे। अब इधर धुंधली ने बार बार पाप के बारे में सोचती रही, और वो गौकर्ण जी इतने ज्ञानी हो गए, गौकर्ण पंडित हो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। अब इस प्रकार से विचार करे, तब इधर धुंधली ने एक दिन धुंधकारी आया, कहा मैया मुझे सब पता है। कहा पिताजी जो भी धन रखते हैं उसका पता तुम्हें बताता। अब माँ से धन ले जाए, आए दिन धन ले। अब तो ये इनकी आदतों के सुन सुन के पड़ोसी ताने मारे आत्मदेव जी के लिए, तुम्हारा बेटा देखो कितना खराब है, इतना पाप कर रहा है, कोई पुण्य नहीं करता। अब सुन सुन के आत्मदेव महाराज से तो रहा नहीं गया। एक दिन गोकर्ण महाराज जी के पास गए, बेटे के पास, और बेटे के पास जाके कहने लगे, बेटा मेरा तो मन लगता नहीं है, क्या करें। तो गोकर्ण जी बोले, पिताजी ये जो संसार है ये संसार मन लगाने के लिए है ही नहीं, कैसे ना लगाए महाराज जी मन। हम घर का काम नहीं करेंगे तो क्या आप बना के रोटी आओगे, रोटी तो हम ही को बनानी पड़ेगी, पानी हमको ही भरना पड़ेगा। आपने देखा होगा पहले लोग जो है कुएं से पानी भर के लाते थे, तो कुएं से जब पानी भर के लाते थे तो एक गागर रहती थी, उसके ऊपर भी एक गागर रहती थी, और हाथ बिल्कुल नहीं लगाती थी और चलती जाती थी, और सहेलियां झुंड में जाती थी, एक हाथ तो जाती नहीं थी, दो चार तो जाती थी, और जब वो जाती थी उनके जाते जाते सहेलियों से बतिया भी रही हैं, बच्चे को भी हाथ में लिए हैं, लेकिन पूरा ध्यान जो है उनका कहां है, उस गागर में, कि ये गागर ना गिर जाए। हाथ नहीं लगाए हैं, अपने कार्य भी कर रही हैं, चल भी रही हैं। ऐसे ही हम भी अगर हमारा जीवन बनाना चाहते हैं तो संसार का काम करें, लेकिन हमारा मन हमारा ध्यान गोविंद में हो। एक बार नारद जी महाराज राजा जनक के यहाँ पहुंचे, विदेह राह जनक, और जनक के यहाँ जाके पहुंच के कहने लगे, महाराज आपने अपना झूठा प्रचार करवा के रखा। कहा काय का? कहा आप जनक कहला रहे हो, विदेह कहला रहे हो, और सब सुख तो भोग रहे हो, किस चीज की कमी है, सारे राशि ठाट तुम भोग रहे हो। ये जब कहा तो नारद जी से उनने कहा, महाराज आप भोजन कर लीजिए, फिर उसके बाद जाइए। भोजन की 56 भोग की थाली लगाई, और थाली लगाने के बाद जहां थाली लगाई, जहां नारद जी बैठे थे उसके ऊपर ही एक तलवार लटकाई, और वो जो तलवार लटकी थी उसका धागा इतना पतला था कि कभी भी टूट सकता था। नारद जी महाराज ने भोजन के लिए जैसे ही शुरुआत करी, ऊपर नजर गई तलवार, और वो जो धागा से बंधा था वो भी एकदम पतला। कब उनने भोजन कर लिया पता ही नहीं पड़ा। जनक जी ने पूछा, नारद जी भोजन कैसा लगा आपको, स्वाद आया कि नहीं? कहे आप स्वाद की बात कर रहे हो, हमें तो यही लग रहा था कि हम बेस्वाद ना हो जाए, कोरोना में भी तो यही हो रहा है, स्वाद जा रहा है, मीठा का स्वाद नहीं आता, सुगंध चली जाती है, तो कहे हम बेस्वाद ना हो जाए, हम ना चले जाए। अब ये जब बात कही, हमारा ध्यान तो उसमें था कि वो तलवार ना गिर जाए, ये सब 56 भोग हमें बेकार लग रहे थे। नारद जी से विदेह ने कहा, महाराज जैसे आपका ध्यान उस तलवार में है, 56 भोग भी फीके लग रहे हैं, ऐसे ही हमारा ध्यान उस परमात्मा में है, इस संसार में है। भोग सब कर रहे हैं, खा सब रहे हैं, लेकिन किसी में भी मन नहीं लगा रहा। जैसे जल में ही कमल की उत्पत्ति है, लेकिन वो खिलता कहाँ है, बाहर आके। ऐसे ही हम भी संसार में रहें, लेकिन संसार से भिन्न रहे, और जब संसार से भिन्न रहेंगे तो वो माया आपको प्रभावित नहीं करेगी।